गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 13.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास गिवन है और राइट एंगल ए बी सी विथ साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेंड। ऑलरेडी डायग्राम गिवन है। सबसे पहले हमारे पास क्या बात हो रही है, ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी, राइट। सबसे बड़ी साइड डेफिनेटली आपके लिए क्या रहेगी, हाइपोटेनियस, राइट। उसके बाद जो दो छोटी साइड है उसमें से एक आपके लिए पी होता है, एक बी होता है। आप किसी को कुछ भी समझ कर सकते हो, बट ये याद रखना है कि तीनों में से जो सबसे बड़ी लार्ज साइज होती है उसको हम काउंट करते हैं हाइपोटेनियस, राइट। हाइपोटेनियस हो गई तो हमने इसको क्या सपोज कर लिया, 12, और इसको सपोज कर लिया हमने 5, राइट। तो सॉल्यूशन करते वक्त सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास जो जो कंडीशन गिवन है हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो नोट डाउन करेंगे। हाइट, हाइट कितनी है, एच कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। कोण के अकॉर्डिंग बताना है, कोण में एक पार्ट क्या हो गया, राइट एंगल। अब ये वाला बेस, बेस जो है हमारे लिए किसका काम करेगा, रेडियस का। तो रेडियस आर इक्वल्स टू कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। मतलब हाइट हो गई 12 सेंटीमीटर, ये हो गई 5 सेंटीमीटर। स्लेंट हाइट, मतलब हमेशा ये तिरछी वाली हाइट को हम क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट, राइट। और L इक्वल्स टू कितना गिवन है, 13 सेंटीमीटर, राइट। 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण कितना होता है, फॉर्मूला V इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। तो देखिए 1/3 हमने एज इट इज़ लिखा है, पाई की प्लेस पे हमने पाई भी एज इट इज़ लिखा है, आर स्क्वायर, आर की प्लेस पे हमने क्या रखा है, 5। तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और ये कितना रखा है हमारे पास, एच, एच कितना हो जाएगा हमारे पास, एच की प्लेस पे हमने रख दिया 12। तो देखिए 1/3 1/3 इंटू में पाई एज इट इज़ रखा, 25 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा, 3/4 12, और 25 इंटू 4 कितना हो गया, 100। तो ये कितना आ गया, 100 पाई। यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालना था, तो हम लिखेंगे इसका आंसर, वॉल्यूम ऑफ द कोण सो फॉर्म इज 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, या फिर पाई की जगह अगर आप वैल्यू पुटअप कर दो, पाई की प्लेस पे सपोज हमने वैल्यू पुटअप कर दी 22/7। तो देखो ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करा 3.14, तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 314 सेंटीमीटर क्यूब। या तो इसका आंसर आप 100 पाई लिखो सेंटीमीटर क्यूब, या आप इसका आंसर 3.14 सेंटीमीटर क्यूब भी इसका आंसर लिख सकते हो। थैंक यू।